सब्सक्राइब करें कैसीना मैथ सॉल्यूशन क्लास 12 चैनल को एंड प्रेस बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल कैसीना मैथ सॉल्यूशन। आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 19.13 के क्वेश्चन नंबर 6 to 9 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, देखिए ये दिया गया है sec स्क्वायर x dx अपॉन 2 + 10x इंटू 3 + 10x। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, तो गिवन i इज इक्वल इतना लिख दिया हमने, तो लेट 10x को क्या है हमने जेड मान लिया, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या है इसमें, तो देखिए dz इज इक्वल टू sec स्क्वायर x dx, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया इतना। ठीक है, तो नाउ इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू आपका यही ना है, इसी को इंटीग्रेट करना है। तो देखिए sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका कितना, dz के बराबर हो जाएगा ऊपर वाला sec स्क्वायर x dx, देखिए dz के बराबर तो लिख दिया हमने, अपॉन 2 + 10x यानी 10x इज इक्वल टू जेड, तो 2 + 10z हो जाएगा 2 + z इंटू 3 + z, क्योंकि 10x जो है 3z के बराबर है, तो इतना हम पुट कर दिया। नाउ देखिए आपका इंटीग्रेंट यही ना है, इसी को इंटीग्रेट करना है, तो लेट 1 अपॉन इतना इज इक्वल टू जो मेथड है सॉल्व करने का इस प्रकार का इंटीग्रेंट को, उसके आधार पर हमने कर दिया, देखिए एक फर्स्ट फैक्टर सेकंड फैक्टर, तो ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर फैक्टर प्लस बी अपॉन सेकंड फैक्टर, इतना कर दिया। अब हमने क्या किया यहाँ पे देखिए, अब हमने एलसीएम लिया है इसका इसका, तो एलसीएम आपका इतना आ गया, तो इससे अब इसमें डिवाइड दीजिए, तो ये कटेगा तो ये बचेगा, तो इससे इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये इससे मल्टीप्लाई होगा, और इन नीचे जो होगा डिनोमिनेटर में आपका यानी हर में आपका हो जाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट, देखिए प्रोडक्ट हो गया। अब देखिए ये पार्ट और ये पार्ट दोनों इक्वल है, तो कट जाएगा, बचा आपका 1 = a (3+z) + b (2+z), आप इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, तो पुटिंग जेड इज इक्वल टू -2। देखिए अब हमको a और b का वैल्यू निकालना है, तो इसमें अगर हम a का वैल्यू निकालना है तो b को 0 करना पड़ेगा, तो b का वैल्यू 0 कब होगा, जब जेड का वैल्यू -2 हो जाएगा, तो देखिए 2 - 2 = 0, तो बी गुने 0 यानी बी टोटल 0, तो इसका ए का वैल्यू निकल जाएगा आपको, देखिए जेड इज इक्वल टू -2 रखते हैं इसमें, एंड जेड इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन फर्स्ट। देखिए -2 रखिएगा पहला, ए का वैल्यू निकालना है तो -2 इसमें रखेंगे, तब बी का वैल्यू 0 होगा, तो देखिए रखते हैं हम -2 = 0, यहाँ पे 3 - 2 = 3 - 2 = 1, तो ए इंटू 1 = 1, तो ए का वैल्यू आ जाएगा आपका 1। अब बी का वैल्यू निकालना है, यानी ए का वैल्यू हमको 0 करना पड़ेगा, तो ए का वैल्यू यहाँ जेड का वैल्यू क्या रखेंगे -3, तब ना ये 0 हो जाएगा टोटल, तो बी का वैल्यू आ जाएगा आपका b - 1। ठीक है, समझ गए। और फ्रेंड्स मैं तो ये बताना भूल गया, अगर आप भी मेरे तरह दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं तो वो आप बिल्कुल कर सकते हैं, तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं, तो आप जो है वीडियोस को दूसरों को अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, जो भी फ्रेंड्स आपके हैं जो इस साल या नेक्स्ट ईयर एग्जाम देने वाले हैं उनको वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। तो नाउ देखिए, नाउ ए और बी का वैल्यू आपको निकल गया, तो देखिए इंटीग्रेशन आई, इंटीग्रेशन आई इक्वल टू यही ना है, इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसको ये पार्ट है किसके बराबर है, ये इस पार्ट के बराबर है, तो इसके जगह हमने ये पार्ट लिख दिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, अलग दोनों को इंटीग्रेट किया है, और ए और बी जो कि कॉन्स्टेंट है आपका, तो दोनों बाहर आ जाएगा, तो देखिए ए बाहर आ गया, यहाँ पर भी बी बाहर आ गया, तो अब देखिए ए का वैल्यू रखा हमने 1, इसका इंटीग्रेशन किया तो रो आ जाएगा इंटीग्रेशन इसका log 2 + z, ऐसे बी का वैल्यू -1, तो -1 रख दिया इंटू इसका इंटीग्रेशन log 3 + z, कैसे, तो 1 × log 2 + z इज इक्वल टू log 2 + z का वैल्यू क्या है, जेड इज इक्वल टू 10x, तो जेड का वैल्यू रख दिया हमने, ये देखिए माइनस में हो जाएगा इसमें log 3 + z = 10x, 3 + 10x + c, अब देखिए ये इसको आप m मानते हैं और इसको n, तो log m - log n इज इक्वल टू होता है log m/n, फॉर्मूला होता है देखिए ये log m - log n इज इक्वल टू log m/n, m और इसको m मानिए तो इसको n, तो log m - log n इज इक्वल टू log m/n प्लस c कॉन्स्टेंट, ये आपका जो है आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट हाफ का ये दिया है क्वेश्चन आपका ये, तो लेट एक्स एक्स का पावर 5 इज इक्वल टू जेड, या जेड इज इक्वल टू एक्स का पावर 5, देन इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो डी जेड इज इक्वल टू हो जाएगा, डिफरेंशिएशन इसका हो जाएगा एक्स का पावर 5 का 5 एक्स का पावर 4 डी एक्स। ठीक, डिफरेंशिएशन आप जानते हैं कैसे किया जाता है, तब यहाँ से लिखिए एक्स का पावर 5 इज इक्वल टू है जेड का जेड, ठीक है, तो एक्स का वैल्यू आप निकालिएगा तो एक्स का पावर 5 जो हिस्सा रहेगा तो रूट में हो जाएगा वह ए वन अपॉन 5, जैसा देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आई है, तो एक्स का वैल्यू यहाँ से क्या निकल जाएगा, यह रूट वाई हो जाता है आप जानते होंगे, तो रूट वाई का मतलब क्या, वाई का पावर 1/2, यहाँ पे जब 2 था तो 1/2 आ गया, ठीक है, जब 5 होता यहाँ पर, अगर 5 होता है 5 तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाता, 1/5 हो जाता, इसी आधार पे हमने किया है, तो एक्स का एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा जेड का पावर 1/5, ठीक है, तो जेड तो एक्स एक्स इज इक्वल टू इतना, तो एक्स का पावर 4 इज इक्वल टू जेड इंटू एक्स 4 का पावर 5, 4/5 हो जाएगा, एक्स का पावर 4 इज इक्वल टू इतना पावर ले लीजिए इसका, इतना हो जाएगा ना। नाउ आगे देखते हैं हम, नाउ इंटीग्रेशन आपका ये है, इसी को इंटीग्रेट करना है, देखिए डी एक्स इक्वल टू क्या है, डी जेड डी एक्स इक्वल टू, देखिए यहाँ पे आपका डी एक्स का वैल्यू निकल गया है, यहाँ पे इस वाले उठाकर हम इसे लेते हैं, तो देखिए डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड अपॉन 5x का पावर 4, तो देखिए डी जेड इज इक्वल टू 5 एक्स का पावर 4 इज इक्वल टू इतना, इस एक्स का पावर 4 की जगह हमने ये वैल्यू रख दिया है, देखिए है ना, यानी डी एक्स इज इक्वल टू इतना। नाउ देखते हैं, तो डी एक्स का वैल्यू इज इक्वल टू डी जेड अपॉन 5 इंटू जेड का पावर 4/5, और एक्स का वैल्यू बताया है जेड इंटू जेड का पावर 1/5, और एक्स का पावर 5 को हमने क्या माना, जेड, तो जेड प्लस 1 इतना। नाउ इंटीग्रेशन आई इक्वल टू देखिए इतना, देखिए 1/5 कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, और ये बचा पर डी जेड अपॉन जेड का पावर 4/5 इंटू जेड का पावर 1/5, ये दोनों को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ ये आपका, क्योंकि देखिए ये जो है जेड जेड है तो पावर इसका ऐड हो जाएगा, तब 4/5 प्लस 1/5 इज इक्वल टू जेड का पावर 5/5 इज इक्वल टू क्या होगा, जेड का पावर 1 इज इक्वल टू जेड, ठीक है, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक्स का पावर एम इंटू एक्स का पावर एन इज इक्वल टू एक्स का पावर एम प्लस एन, इसी फॉर्मूला पर किया गया है। नाउ अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करते हैं, तो देखिए 1 अपॉन इतना हो जाएगा, इसको हम ऐसे ले सकते हैं, लेट इतना इज इक्वल इतना, तो देखिए फर्स्ट फैक्टर 1 अपॉन जेड, सेकेंड फैक्टर बी प्लस बी अपॉन जेड, ठीक है, तो इतना इज इक्वल टू इतना हो गया, ये वाला यहाँ उतर गया, इसमें देखिए एलसीएम लिया तो इसे इसमें मल्टीप्लाई हो गया, ये इसमें, और ये इन दोनों का प्रोडक्ट है, ठीक है, ये कैंसिल इक्वल है, बचा 1 इज इक्वल टू यहाँ बचा ए इंटू जेड प्लस 1, और ये बचा बी जेड इक्वेशन 1, देखिए अब ए और बी का वैल्यू निकाला गया है, तो पुटिंग जेड इज इक्वल टू 0 एंड जेड इज इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन अगर 1 मानते हैं और जेड का वैल्यू 0 और जेड का वैल्यू माइनस 1 पुट करते हैं, तो आपका ए का वैल्यू आ जा रहा है 1 और बी का वैल्यू आ रहा है -1, आप क्या कर सकते हैं, जेड का वैल्यू में है यहाँ पे जेड है, उसको पुट करके चेक कर सकते हैं कि ए का वैल्यू आ रहा है कि नहीं इतना, ठीक है। नाउ ए और बी का वैल्यू अपन कर गया, तो नाउ इंटीग्रेशन आई इक्वल टू देखिए यही ना है 1/5 दिस, तो 1/5, तो इसको हम कैसे क्या लिख सकते हैं, इसके बदले ये वाला लिख सकते हैं, इतना ले सकते हैं डी जेड, ठीक है। अब क्या किए हैं, इन दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट किए हैं, और ए और बी कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, बाहर आ गया है, अब 1/5 दोनों में मल्टीप्लाई है ना, दोनों में मल्टीप्लाई किए हैं, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 अपॉन जेड का इंटीग्रेशन, इतना इतना लिख दिए हैं जो है, देखिए 1/5 ए का वैल्यू 1, तो 1 × 1 मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग जेड, और बी का वैल्यू कितना है -1, लेकिन यहाँ माइनस एन आ जाएगा क्योंकि बी का वैल्यू -1 है, तो -1/5 इसका इंटीग्रेशन लॉग जेड प्लस 1 + 3, ठीक है, तो 1/5 कॉमन दोनों में से कॉमन कर लिया, ठीक है, तो बचा आपका लॉग जेड माइनस लॉग जेड प्लस 1, अब देखिए लॉग एम माइनस लॉग एन इज इक्वल टू लॉग एम बाई एन, ठीक है, फॉर्मूला पर प्लस से।
अब हम क्या किया, इसमें जेड का वैल्यू पुट कर दिया जो है 1/5 लॉग जेड इज इक्वल टू एक्स का पावर 5 अपॉन एक्स का पावर 5 प्लस 1 प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है तो लेट एक्स का पावर 6 इज इक्वल टू हमने जेड मान लिया, देन इसका डिफ्रेंशिएशन किया, डिफ्रेंशिएशन आपका इतना हो गया 6x का पावर 5 डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड। तो अभी हमने से यहाँ से डी एक्स का वैल्यू निकाल लिया, कैसे निकलेगा, ये वाला पार्ट उठ के इधर आ जाएगा डिवाइड में, क्योंकि हम मल्टीप्लीकेशन में है तो यहाँ आ जाएगा डिवाइड में, इतना हो गया ना। अब इंटीग्रेशन देखिए, आई इज इक्वल टू इतना, इसी में इंटीग्रेट करना है। तो देखिए डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डी जेड अपॉन 6 इंटू एक्स का पावर 5, तो लिख दिया देखिए इतना आई है एक्स, तो एक्स को वैसे ही लिख दिया एक्स, एक्स का पावर 6 को हम क्या माना जेड, तो जेड प्लस 1 इतना तो हो गया। तो डी जेड इसको देखिए, डी जेड अपॉन एक्स का पावर 5 इंटू एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स का पावर 6, ठीक है, इंटू जेड प्लस 1, तो एक्स का पावर 6 इतना हो गया। आगे देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे जो है 1/6 कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, बचेगा एक्स का पावर 6, एक्स का पावर 6 की जगह पे हम जेड लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए 1/6 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया और एक्स का पावर 6 था यहाँ पे, तो एक्स का पावर 6 इक्वल टू जेड, तो जेड पुट कर दिया हमने इंटू जेड प्लस 1 डी जेड, ठीक है। नाउ लेट इतना इक्वल टू इतना मान लिया हमने, इसको फैक्टर कर दिया दो फैक्टर में। अब देखिए इसको एलसीएम लिया हमने, तो ये इसके साथ है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, और इन दोनों का प्रोडक्ट नीचे में ये पार्ट दोनों बराबर है तो कट गया, तो बचा आपका ये 1, यहाँ बचा ए इंटू जेड प्लस 1 प्लस बी जेड। अब ए और बी का वैल्यू निकाला गया है, तो कैसे निकाला गया है, तो ए का वैल्यू निकलेगा आप आपका जब जब जेड इज इक्वल टू 0 पुट कीजिएगा ना, तो ए का वैल्यू आपका निकल जाएगा 1, और जब जेड इज इक्वल टू -1 पुट कीजिएगा इसमें, तब आपका बी का वैल्यू निकल जाएगा -1, ठीक है। नाउ आपका ए और बी का वैल्यू निकल गया, देखिए ए और बी का वैल्यू निकालने का मेन आपको आप बताते हैं कैसे निकलते हैं। अगर आपको ए का वैल्यू निकालना है तो बी में जेड का वैसा वैल्यू डालिए जो इसको बी को 0 बना दे, ठीक है। बी में इसको कौन सा नंबर लिखेंगे यहाँ पे जेड की जगह, 0 0 लीजिएगा तब ना ये बी को 0 बना दे, बाकी कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो बी को 0 बना दे 0 के अलावा, ठीक है। तो हम जेड को इक्वल टू 0 करेंगे तो टोटल 0, तो 0 प्लस 1 इक्वल टू 1 इंटू ए इक्वल टू ए, तो ए इक्वल टू 1, ठीक है। अब आपको बी का वैल्यू निकालना था, इसको 0 बनाना पड़ेगा, तो जेड इक्वल टू -1, तब ना -1 प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा, यानी ए इक्वल टू टोटल 0, तो बी इक्वल टू हो जाएगा -1, समझ गए। नाउ देखिए आपका इंटीग्रेशन करना है, तो इस पार्ट के कितना लिख सकते हैं, 1/6 तो कॉन्स्टेंट लिखा गया, इसके जगह पे हम ये लिख सकते हैं इतना, देखिए यहाँ पे है आपका ये वाला, इतना लिख दिया डी एक्स। नाउ 1/6 इसको क्या कहें, देखिए ए और बी कॉन्स्टेंट है तो बाहर कर लिया, और इंटीग्रेशन डी जेड अपॉन जेड, यानी अलग अलग इंटीग्रेट कर दिए हैं, और ए और बी जो कॉन्स्टेंट है बाहर कर दिया, ठीक है, ए कॉन्स्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन डी जेड अपॉन जेड, अब बी अपॉन जी इंटीग्रेशन डी जेड अपॉन जेड प्लस 1। नाउ देखिए 1/6 इसका ए का वैल्यू क्या है, 1, तो 1 गुने लॉग जेड, तो लॉग जेड आ जाएगा, तो लॉग जेड इसका इंटीग्रेशन लॉग जेड हो गया, इसका इंटीग्रेशन लॉग जेड प्लस 1, बी इज इक्वल टू -1, तो -1 आ गया यहाँ पे प्लस सी। अब देखिए लॉग एन माइनस लॉग एन इक्वल टू लॉग एम बाई एन, फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, तो 1/6 लॉग जेड अपॉन जेड प्लस 1 प्लस सी, तो लॉग एम माइनस लॉग एन इक्वल टू लॉग एम बाई एन प्लस सी। अब देखिए जेड का वैल्यू पुट कर दीजिए जो है, तो 1/6 लॉग जेड इज इक्वल टू एक्स का पावर 6, तो एक्स का पावर 6 अपॉन एक्स का पावर 6 प्लस 1 प्लस सी, आपका आंसर हो गया। और फ्रेंड्स मेरे वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें, शेयर जरूर करें ताकि ये बिहार के सभी स्टूडेंट्स के पास पहुंच जाए जो क्वेश्चन सुना मैथ सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, देखिए क्वेश्चन आपका यह है 3, लेट एक्स का पावर 4 को, एक्स का पावर 4 है उसको हम जेड मान लिया, देन इसका डिफ्रेंशिएशन किए, यानी डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 4x³ डी एक्स डी जेड। तो यहाँ से हमने डी एक्स का वैल्यू निकाला, ये वाला पार्ट उठ के आ जाएगा नीचे, डी जेड अपॉन 4x³ हो जाएगा, ठीक है। नाउ इंटीग्रेशन आई इक्वल टू ये है,
ठीक है, इसी को ना है तो डीएक्स का वैल्यू पुट किया, तो डीएक्स इज इक्वल टू इतना, तो डीएक्स की जगह पर हमने ये देखिए डिजिट अपॉन 4x³, और एक्स को वैसे ही रहने दिया तो एक्स को देखिए उतार दिए हैं, और एक्स का पावर 4 इज इक्वल टू जेड, तो जेड पुट किए -1, ठीक है, तो डिजिट अपॉन x³ इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स का पावर 4 हो जाएगा इंटू जेड -1, ठीक है, 1/4 कॉन्स्टेंट है तो बाहर, और यह हो जाएगा डिजिट अपॉन एक्स का पावर 4, क्या माना है हमने जेड, तो जेड पुट कर दिया इसके बदले, देखिए जेड इंटू जेड -1। अब देखिए लेट, इसको दो फैक्टर में चेंज कर दिया है, 1/z इंटू जेड -1 इज इक्वल टू ए अपॉन जेड प्लस बी अपॉन जेड -1, ठीक है। नाउ नाउ देखिए इसका इतना इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लिया उन दोनों का, तो एलसीएम लिया तो आपका इतना आ गया, ये दोनों पार्ट देखिए इस साइड एलसीएम लिया है तो इस साइड ये दोनों कट जाएगा, बचेगा अपने साइड 1, और इस साइड बचा ए इंटू जेड -1 प्लस बी जेड, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब ए और बी का वैल्यू निकालेंगे, तो ए का वैल्यू कब निकलेगा जब जेड इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, और बी का वैल्यू कब निकलेगा जब ए इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, ठीक है, तो ए का वैल्यू आपका आ जाएगा -1 और बी का वैल्यू आ जाएगा 1, ठीक। तो नाउ ये तो सब छोटा छोटा चीज़ है, आप पुट करके वैल्यू मेंटली इसको ज्ञात कर सकते हैं कैसे इसका ए और बी का वैल्यू आ गया, ठीक है। नाउ इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू इतना है तो 1/4 दोनों में है तो 1/4 लिख दिए यहाँ पे, इसके जगह पे हम इतना लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इंटीग्रेट करते हैं दोनों को, ए कॉन्स्टेंट था तो बाहर, और इसका इंटीग्रेशन लॉग जेड हो जाएगा, प्लस बी कॉन्स्टेंट था तो बाहर आ गया, इसका इंटीग्रेशन लॉग जेड -1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/4 ए का वैल्यू क्या है -1, तो माइनस साइन आ गया माइनस लॉग जेड, बी इज इक्वल टू प्लस पॉजिटिव है तो लॉग जेड -1, ठीक, तो यदि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन आएगा यहाँ पे लॉग जेड -1 से, तो 1/4 इसको आगे लिख दिया है और इसको पीछे, तो देखिए इसको आगे यहाँ लिखा गया है पीछे तो लॉग जेड -1, ठीक है। देखिए ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाला पार्ट पहले लिखा गया, नेगेटिव वाला पीछे, ठीक है। तो लॉग अब इसमें क्या किया, जेड का वैल्यू पुट कर दिया है जो कि एक्स का पावर 4 है -1, इसमें लॉग एक्स का पावर 4 प्लस ए, ठीक है। तो 1/4 लॉग एम माइनस लॉग एन इज इक्वल टू लॉग एम बाई एन फॉर्मूला पे प्लस सी, आंसर हो गया। नाउ आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, देखिए ये आपका क्वेश्चन है, तो लेट एक्स इज इक्वल टू 4 को हमने जेड मान लिया, ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन किया, तो डिफ्रेंशिएशन आया आपका 4x³ dx इज इक्वल टू डी जेड, तो डी एक्स का वैल्यू अपना यहाँ से निकल जाएगा डी जेड अपॉन 4x³, ये पार्ट आ जाएगा इसमें डी जे डिवाइड में। नाउ आपका इंटीग्रेशन ये है, अब डी एक्स का वैल्यू पुट करिए इसमें, डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड अपॉन 4x³, ये देखिए डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड अपॉन 4x³, तो पुट कर दिया, एक्स को वैसे ही रहने दिया इंटू एक्स का पावर 4 इज इक्वल टू जेड, तो जेड हमने पुट कर दिया +1, ठीक है। अब देखिए 1/4 कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ गया, बाहर आ गया, अब देखिए ये x³ इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स का पावर 4 हो जाएगा इंटू जेड +1, तो एक्स एक्स का पावर 4 इज इक्वल टू क्या माना है हमने जेड, इसकी जगह पे जेड पुट कर दिए हैं, देखिए यहाँ पे इंटू जेड +1, ठीक है। नाउ ये आपका इंटीग्रैंड है, ये देखिए लेट इतना इज इक्वल टू मान लिया हमने ए अपॉन जेड प्लस बी अपॉन जेड +1, ठीक है, तो 1 अपॉन जेड इंटू जेड +1 इज इक्वल टू, देखिए अब इसका एलसीएम ले लिया, ये इसके साथ है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ और ये इन दोनों का प्रोडक्ट डिनोमिनेटर में ले लिया है, ठीक है। नाउ ये दोनों पार्ट कटेगा आपका, तो आपका बचा आपका क्या, देखिए 1 इज इक्वल टू ए इंटू जेड +1 प्लस बी जेड, इसको इक्वेशन 1 माना है। अब हमको ए और बी का वैल्यू निकालना है, तो ए का वैल्यू कब निकलेगा जब जेड इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, और बी का वैल्यू कब निकलेगा जब जेड इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे इन द इक्वेशन 1, ठीक है। तो ए आपका ए का वैल्यू आ जाएगा 1 एंड बी का वैल्यू आएगा -1। नाउ इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू इतना है, इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं आपका क्वेश्चन है, तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा, ये देखिए ये रॉन्ग है, तो आई इज इक्वल टू इतना, इसका ए कॉन्स्टेंट बाहर आ गया इसका इंटीग्रेशन लॉग जेड, बी कॉन्स्टेंट बाहर इसका इंटीग्रेशन लॉग जेड +1 प्लस सी, ठीक। नाउ 1/4 अब ए और बी का वैल्यू पुट किया है, तो ए का वैल्यू क्या है 1, बी का वैल्यू -1, तो माइनस साइन आ गया माइनस से क्योंकि लॉग जेड +1, तो देखिए लॉग एम माइनस लॉग एन, तो लॉग एम बाई एन फॉर्मूला पर लिख दें इतना,
प्लस सी, तो जेड का वैल्यू पुट कर दीजिए 1/4 लॉग जेड इज इक्वल टू एक्स का पावर 4 अपॉन एक्स का पावर 4 प्लस 1 प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है पहला तो गिवन है इतना, इसमें हम क्या कर सकते हैं ई एक्स इंटू ई एक्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका कट जाएगा, तो इसमें कोई फर्क नहीं है, जस्ट यही चीज़ है आपका यहाँ पे, इसमें खाली मॉडिफाई करके लिख दिया गया है इतना, ठीक है। तब देखिए लेट ई एक्स इज इक्वल टू जेड मान लिया हमने, देन इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो आपका ई एक्स डी एक्स इक्वल टू डी जेड, नाउ इंटीग्रेशन आई इक्वल टू इतना है, तो ई एक्स डी एक्स का वैल्यू हम डालते हैं क्या है, तो ई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड, ठीक है। तो ई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड है, तो इसके जगह पे हमने डी जेड लिख दिया, देखिए इतना इज इक्वल टू इतना, तो डी जेड ई एक्स को हमने क्या माना जेड, तो जेड इंटू जेड माइनस वन, ठीक है। तो लेट आपका ये इंटीग्रैंड आ गया है, तो वन लेट वन अपॉन जेड इंटू जेड माइनस वन इज इक्वल टू द फैक्टर में फैक्टराइज कर दिया इसको, ए अपॉन जेड प्लस बी अपॉन जेड माइनस वन, नाउ इन दोनों का एलसीएम लिया हमने, तो ये इसके साथ है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, देखिए अपॉन जेड इंटू जेड इतना लिख दिया। अब ये पार्ट कैंसिल, तो बचा आपका वन यहाँ पे और यहाँ बचा आपका ए इंटू जेड माइनस वन प्लस बी जेड, इसको इक्वेशन वन माना। अब ए और बी का वैल्यू निकालना है इसमें, तो ए का वैल्यू कब निकलेगा आपका, जब जेड इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और बी का वैल्यू कब निकलेगा, जब जेड इज इक्वल टू वन हो जाएगा। तो ए का वैल्यू आपका निकलेगा वन, बी का वैल्यू निकलेगा, सॉरी ए का वैल्यू निकलेगा आपका माइनस वन, बी का वैल्यू निकलेगा वन। तो नाउ इंटीग्रेशन आई इक्वल टू इतना है आपको, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, लिख दिए हैं। अब ए कॉन्स्टेंट है बाहर, इसका इंटीग्रेशन वन अपॉन जेड डी जेड प्लस बी कॉन्स्टेंट है बाहर, तो इसका वन अपॉन जेड माइनस वन डी जेड, ए का वैल्यू पुट किए हैं हम यहाँ पर, देखिए ए का वैल्यू है माइनस वन, तो माइनस वन इंटू इसका इंटीग्रेशन लॉग जेड हो जाएगा, बी पॉजिटिव है तो वन इंटू लॉग जेड माइनस वन प्लस सी, ठीक है, इतना तो आप समझ गए माइनस वन। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसको पहले लिखेंगे और इसको ला पीछे, वैसा करना जो कोई जरूरी है, ठीक है। लॉग जेड, लॉग जेड इज इक्वल टू जेड का वैल्यू हम पुट करते हैं, तो लॉग जेड इज इक्वल टू क्या है एक्स, तो लॉग ई का पावर एक्स प्लस लॉग जेड इज इक्वल टू माइनस वन था, तो लॉग ई का पावर एक्स माइनस वन प्लस ई, इतना लिख सकते हैं। तो देखिए ये जो होता है इतना, ये आपका ये जो हो जाएगा माइनस एक्स के बराबर रहेगा, और ये लॉग जो है इतना उतर जाएगा, क्योंकि क्यों होगा एक्स के बराबर, तो देखिए लॉग ई एक्स जो होता है वो एक्स के बराबर होता है, आपको हम फॉर्मूला दिया है लॉग ई एक्स इज इक्वल टू एक्स, देखिए लॉग माइनस एन को साइड में रखिए, तो लॉग ई एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स बचेगा फिर माइनस एन लगाना पड़ेगा, तो माइनस एक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू देखिए, आपका दिया है क्वेश्चन गिवन है इतना, तो लेट क्या किया हमने एक्स को जेड मान लिया है, देन इसका डिफ्रेंशिएशन किया है, तो आपका ई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड, नाउ इंटीग्रेशन आपका इतना है, तो ई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड और वन प्लस ई एक्स, तो वन प्लस जेड कर दिया और टू प्लस ई एक्स यानी टू प्लस जेड, क्योंकि ई एक्स को हमने जेड माना है, तो ई एक्स की जगह पर जेड लिख दिया हमने। नाउ आपका ये है, आपका इंटीग्रेंड आ गया है इस फॉर्म में, तो इसको हम वन अपॉन इतना लिख लिया, और दो फैक्टर है तो दो फैक्टर के रूप में फैक्टराइज किया, तो ए अपॉन वन प्लस जेड प्लस बी अपॉन टू प्लस जेड। अब देखिए हम क्या किए, इसका एलसीएम लिया, इसके साथ इसको, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई किया है, और इन दोनों का प्रोडक्ट लिया नीचे में, तो देखिए ये वाला ये दोनों वाला इक्वल है, तो कट जाएगा, बचेगा आपका क्या यहाँ पर वन, यहाँ बचेगा आपका ये वाला और ये वाला, ठीक है। अब देखिए ए और बी का वैल्यू निकालना, तो कब निकलेगा ए और बी का वैल्यू, जब जेड इज इक्वल टू माइनस वन हो जाएगा तो आपका ए का वैल्यू निकलेगा, जब जेड इज इक्वल टू माइनस टू होगा तब आपका बी का वैल्यू निकलेगा, तो ए का वैल्यू आपका निकलेगा वन एंड बी का वैल्यू निकलेगा माइनस वन। तो नाउ इंटीग्रेशन आई इक्वल टू इतना है आपका, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ए और बी कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ गया, ठीक है, तो इसका ए का वैल्यू रखें हम वन, बी का वैल्यू रखें माइनस वन, इसका इंटीग्रेशन होगा लॉग वन प्लस जेड, इसका इंटीग्रेशन होगा लॉग टू प्लस जेड, ठीक है। तो लॉग वन जेड की जगह पर हम वैल्यू लिख दिया जेड का, तो वन प्लस ई एक्स हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू क्या है एक्स, तो वन प्लस ई एक्स माइनस लॉग टू प्लस ई एक्स, टू प्लस जेड है तो टू प्लस ई एक्स हो जाएगा प्लस ए, तो लॉग एम माइनस लॉग एन इज इक्वल टू लॉग एम बाई एन प्लस ए, फॉर्मूला पर आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, जो कि आपका लास्ट है, लेट ये आपका क्वेश्चन है, तो लेट एक्स स्क्वायर को हमने जेड माना, देन इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो आपका है टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड, तो यहाँ से एक्स डी एक्स का वैल्यू निकल गया आपका डी जेड बाय टू, नाउ इंटीग्रेशन आई इक्वल टू इतना है, तो एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या है डी जेड बाय टू, डी जेड बाय टू पुट कर दिया इन टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जेड माना हमने, देखिए यहाँ पे तो जेड प्लस ए स्क्वायर इन टू जेड प्लस बी स्क्वायर,
ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर की जगह पर हमने जेड लॉग रख दिया। नाउ 1/2 कॉन्स्टेंट तो बाहर आ गया, अब पेंटागन इस फॉर्म में आ गया, देखिए जेड डी जेड अपॉन जेड प्लस ए स्क्वायर इंटू जेड प्लस बी स्क्वायर। तो लेट इसको हमने इतना मान लिया, फैक्टराइज किया ए अपॉन, यानी फर्स्ट फैक्टर पे जानते हैं ना मेथड, उसी मेथड पे ए अपॉन जेड प्लस ए स्क्वायर। आपका देखिए इंटीग्रेंट अगर इस फॉर्म में आ जाते इसी मेथड को अप्लाई करना है, ठीक है, तो ए अपॉन जेड प्लस ए स्क्वायर प्लस बी अपॉन जेड प्लस बी स्क्वायर। अब एलसीएम लीजिए तो ये इसके साथ, ये इसके साथ है, इन दोनों का प्रोडक्ट नीचे में, ये तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इक्वल है। तो बचेगा आपका क्या, वन इज इक्वल टू इतना ए इंटू इतना प्लस बी इंटू इतना। अब ए और बी का वैल्यू निकालना है, ए और बी का वैल्यू कब निकलेगा, जब ए का वैल्यू कब निकलेगा आपका, जब बी इज इक्वल टू जीरो हो जाए। तो बी इज इक्वल जीरो करने के लिए जेड इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर पुट करेंगे, तो आपका ए का वैल्यू निकल जाएगा माइनस वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देख लीजिए कैसे किया गया, इसमें मैं बताता हूँ। देखिए बी इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, तो देखिए वन लिख दिया इज इक्वल टू ए इंटू जेड इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, तो माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए तो जीरो हो जाएगा प्लस जीरो। देखिए माइनस ए स्क्वायर पहले है तो इसमें से इन दोनों में क्या करते हैं, माइनस कम किए हैं, देखिए इंटू ए, इसमें ये आगे पीछे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इतना हो जाएगा। देखिए पहले इसमें था माइनस ए स्क्वायर निगेटिव था लेकिन अब पॉजिटिव आ गया क्योंकि माइनस कम कर लिया आ गया, तो आपका ए का वैल्यू निकल जाएगा माइनस वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी प्रकार बी का वैल्यू निकल जाएगा वन अपॉन, ये पॉजिटिव निकलेगा वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाउ इंटीग्रेशन आई इक्वल टू इतना आपका है, इसके जगह पे आप इतना लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए आपके इसके जगह पे इतना है, तो इसके जगह पे इतना लिख दिया। अब ए और बी कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ गया, अलग अलग इंटीग्रेट कर दिया, तो 1/2 दोनों में मल्टीप्लाई था, तो 1/2 इसमें दोनों में मल्टीप्लाई किया है। तो ए और बी का वैल्यू रख दिया हमने, तो ए का वैल्यू माइनस वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लॉग, इसका इंटीग्रेशन किया लॉग जेड प्लस ए स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू बी का वैल्यू रख दिया वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लॉग इतना, ठीक है। देखिए अब हमने क्या किया है, इस वाले पार्ट को पॉजिटिव जो पार्ट है उसको पहले लिख दिया और ये वाला पार्ट को पीछे लिख दिया, ठीक है, आगे पीछे। अब देखिए हम क्या किए हैं, तो 1/2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कॉमन ले लिया इन दोनों में से, तो आपका बचेगा इसमें लॉग एक्स और जेड इज इक्वल टू वैल्यू पुट किया, जेड इज इक्वल टू क्या एक्स स्क्वायर, तो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस सी, तो लॉग एम माइनस लॉग एन इज इक्वल टू लॉग एम बाई एन प्लस सी, ये आपका कॉन्स्टेंट तो बाहर निकाला गया है, कॉमन कर गया प्लस सी, आपका आंसर हो गया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो, वीडियो को शेयर जरूर करें एंड लाइक तो जरूर करें।